मूंग दाल की कतली बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप मूंग दाल लिया है। मूंग दाल को मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा था और अच्छे से ये फूल गया है। आप इसे 1 से 2 घंटे भी भिगो के रख सकते हैं, 1 से 2 घंटे में भी अच्छे से ये फूल जाता है। अब इसको हम पीस लेंगे, तो पीसने के लिए इसमें पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। इसमें का जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा उसको अलग कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 8 से 10 लहसुन, 2 से 3 हरी मिर्च डाल देंगे कट करके। आप इसमें अदरक भी डाल सकते हैं थोड़ा सा। मैं डालूंगी इसमें जीरा, 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे। नमक भी डाल देंगे इसी समय, पीसते समय ही। अब इसको पीस लेंगे, पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है इसमें, बिना पानी डाले। देखिए मैंने इसको पीस लिया है, और बिना पानी के भी बिल्कुल आराम से इसको पीस लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि जो दाल रहता है पूरी तरह से फुला हुआ रहता है। इसको एक अलग बाउल में निकाल लेंगे, और ये देखिए जो दाल की जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल ऐसी रहनी चाहिए। अब हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक प्याज लिया है जिसको मैंने बारीक चॉप करके रखा है, उसको डाल देंगे इसमें। धनिया की पत्ती है उसे भी डाल देंगे। प्याज और धनिया को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब डालेंगे इसमें 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डाल करके इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इसमें डाला है 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, मीठा सोडा, कुकिंग सोडा, जो भी आप इसको बोलते हो। इससे हमारा जो ये कतली है बहुत सॉफ्ट बनेगा। डाल करके अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और मैंने यहाँ पर एक स्टील की थाली ली है, इसको मैंने सबसे पहले ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब मूंग दाल का जो बैटर है वो मैंने इस तरीके से थाली में डाल करके अब फैला दिया है। अच्छे से इसको चारों तरफ फैला देंगे बराबर। मैंने यहाँ पे पानी गर्म होने के लिए रख दिया था पहले ही कढ़ाई में, और पानी गर्म हो गया है अच्छे से। तो अब मैं इसमें एक स्टैंड रखूँगी, आप कोई भी प्लेट या कटोरी रख सकते हैं इसकी जगह पे। अब जो ये थाली है, थाली को भी इसमें रख देंगे, और इसको अब हमें स्टीम करना है। अब इसको ढक देंगे 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम होने के लिए, फिर उसके बाद हम चेक करेंगे। पंद्रह मिनट के बाद हम ढक्कन हटाएंगे, और ये देखिए ये जो कतली है अच्छे से ये कुक हो चुकी है। तो चेक करने के लिए इसमें एक नाइफ़ डालेंगे, नाइफ़ डाल के चेक करेंगे, और ये देखिए नाइफ़ बिल्कुल क्लीन आ रहा है, तो हमारी जो कतली है वो हो चुकी है। मूंग दाल की जो कतली है वो बन के रेडी हो गई है। तो इसको अब निकाल के ठंडा होने देंगे, उसके बाद फिर इसे डीमोल्ड करेंगे। ये देखिए हमारी जो मूंग दाल की कतली है बिल्कुल ठंडी हो गई है। तो इसको इस तरीके से पलट लेंगे, और ये देखिए नीचे से बिल्कुल भी नहीं चिपका है क्योंकि हमने इसमें ऑयल लगा दिया था, और ये बहुत ही सॉफ्ट बना है। अब इसको सीधा कर लेंगे दूसरा प्लेट लगा करके। अब हम इसको कट कर लेंगे, तो आप इसे किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, मैं इसे स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ। देखिए इस तरीके से कट कर लेंगे। अब मैं आपको एक निकाल के दिखाती हूँ कि कितना सॉफ्ट बना है ये देखिए। मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, पैन में डाला है रिफाइंड ऑयल, और अब एक एक करके जो कतलियाँ हैं इसमें डाल देंगे जितनी इसमें आ जाएंगी। और इसको फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 3 से 4 मिनट में ये सेलो फ्राई हो जाती हैं। अब डाल करके इसको 1 से 2 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर इसके बाद इसको पलट लेंगे, और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। देखिए जितनी कतली आ गई है मैंने इसमें डाल दी हैं, 5 से 6। अब इसको ऐसे ही छोड़ देंगे 1 से 2 मिनट के लिए, उसके बाद फिर इसको पलटेंगे। ये देखिए 1 से 2 मिनट के बाद इसको हम पलट लेंगे। देखिए नीचे की साइड से बहुत ही अच्छा कलर आ गया है, और ऑयल मुझे ज़्यादा लग रहा था इसलिए मैंने थोड़ा सा ऑयल निकाल दिया है इसमें से, क्योंकि ये बहुत कम ऑयल में ये फ्राई हो जाता है। एक एक करके सबको पलट लेंगे, पलट के दूसरे साइड से भी इसको 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही सेलो फ्राई कर लेंगे।
और ये देखिए दूसरे साइड से भी अच्छे तरीके से ये फ्राई हो गया है। तो अब इसको टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। और इसको फ्राई करने में बहुत कम टाइम लगता है और ये नाश्ता बहुत ही जल्दी बन के रेडी भी हो जाता है, क्योंकि इसको स्टीम करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 से 15 मिनट में स्टीम हो जाता है और सेलो फ्राई करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब उसी पैन में हम दूसरा बैच भी सेलो फ्राई कर लेंगे। तो इसी तरीके से हम इसे भी फ्राई कर लेंगे। इसको भी डाल करके 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, फिर 2 मिनट के बाद इसको पलटेंगे। एक से दो मिनट के बाद देखिए इसको पलट लेंगे और नीचे की साइड से बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। और ये जो मूंग दाल की कतली होती है ये ऊपर से बहुत क्रिस्पी होती है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होती है, और खाने में तो ये हेल्दी है ही, क्योंकि हमने इसे मूंग की दाल से बनाया है और बहुत ही कम मसाले यूज़ किए हैं और ऑयल का भी यूज़ बहुत ही कम हुआ है इसमें। और ये देखिए जो मूंग दाल की कतली है दोनों साइड से अच्छे तरीके से फ्राई हो गई है, तो इसको अब हम निकाल लेंगे। और इसी तरीके से बाकी के जो हैं बचे हुए उनको भी फ्राई कर लेंगे। आप इस मूंग दाल की कतली को हरे धनिए की चटनी के साथ खाइए, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।